वेलकम टू वीकली बॉलीवुड अपडेट ऑफ फिल्मी टॉकर। आज का पहला अपडेट है बॉलीवुड की गॉसिप क्वीन कंगना रनौत को लेकर। जी हां दोस्तों, 24 करोड़ रुपए में शूट हो रहा है कंगना रनौत स्टारर धाकड़ का एक एक्शन सीन। बिल्कुल सही सुना आपने, एक एक्शन सीन को शूट करने में 24 करोड़ से ज़्यादा की रकम लगने वाली है। दरअसल कंगना रनौत इन दिनों अपनी जो फिल्म आ रही है धाकड़, उसकी शूटिंग कर रही है और उनकी माने तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें बताया है कि इसमें एक सीन जो कि एक्शन ने उसको शूट करने के लिए 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगने वाली है। बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, तो दूसरी अपडेट है अनिल कपूर को लेकर। हर्षवर्धन कपूर जल्द ही पापा अनिल कपूर के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों फिल्म थार के लिए एक साथ आएंगे। इससे पहले पिता पुत्र की जोड़ी अभिनव बिंद्रा की बायोपिक में नजर आने वाली थी और फिल्म को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी थी। कहा गया था कि फिल्म में हर्षवर्धन को अभिनव का रोल प्ले करना था, वहीं उसी फिल्म में मेकर्स ने अनिल कपूर को बतौर अभिनव के पिता के रोल में कास्ट किया था, लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है, यानी कि ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। अब अनिल ने इस प्रोजेक्ट को छोड़कर हर्षवर्धन के साथ थार मूवी में काम करने का जो फैसला है वो बिल्कुल सही लिया है। बॉलीवुड का अगला अपडेट है आदित्य रॉय कपूर को लेकर। आदित्य रॉय कपूर जल्द ही फिल्म ओम द बैटल विद इन में नजर आएंगे। फिल्म के बारे में एक डायरेक्टर कपिल बताते हैं कि आदित्य ने ओम के लिए 4 महीने तक कुंफू सीखा है। फिल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू हुई थी। शूटिंग को आगे बढ़ाते हुए आदित्य के घर में ही एक जिम को सेटअप कर दिया गया, क्योंकि उन दिनों जिम भी बंद थे। 4 महीने तक उनके कुंफू और ताइची और हथियारों के जो हैंडल करना है वो सब आदित्य ने सीखा है। प्रोड्यूसर अहमद खान ने आदित्य के लिए बांद्रा में एक डांस हॉल भी बुक कर दिया गया है, जिसमें वह रोजाना 2 घंटे तक अपने 3 एक्टर्स के साथ प्रैक्टिस किया करते हैं। इनमें से 2 ट्रेनर अलग अलग मार्शल आर्ट वाले थे और तीसरा उन्हें स्ट्रेचिंग व कार्डियो में मदद करता था। मेकर्स ने आदित्य के लिए एक शेफ भी हायर किया है जो उन्हें जबरदस्त फिजिक गेन करने में भी मदद कर रहा है। बीते 3 से 4 महीने में आदित्य ने जबरदस्त मेहनत की है अपने जो लुक है, जो उनको ओम मूवी में जिस तरह का उनको कैरेक्टर करना है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो ओम मूवी हिट होना है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज साबित होने वाली है। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड की अगली अपडेट के बारे में, जो कि है जॉन इब्राहिम के बारे में। जॉन इब्राहिम बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग पूरी की है। इसके बाद वे पठान की शूटिंग में भी करने वाले हैं, लेकिन अब इससे पहले उन्होंने एक और फिल्म साइन की है जिसका नाम है अटैक, और अटैक की तैयारी शुरू कर भी ली है उन्होंने। इसकी शूटिंग तो वैसे दिल्ली में काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन जॉन इब्राहिम ने 2 दिन पहले ही उनकी टीम को ज्वाइन किया है और उनके रोल को लेकर वो रिहर्सल भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब इस बात की जो पुष्टि है वो की है जो प्रोड्यूसर है अजय कपूर इस फिल्म के, उन्होंने। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म एक फिक्शन फिल्म होने वाली है, यानी कि सच्ची घटनाओं को मिलाकर इस फिल्म को पूरा बनाया जाएगा। फिल्म में जॉन इब्राहिम के अलावा आपको जैकलिन फर्नांडिस और रकुल प्रीत सिंह जैसी एक्ट्रेस भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म की अनाउंसमेंट दिसंबर 2019 में हुई थी और 14 अगस्त 2020 को इसकी रिलीज डेट थी, लेकिन कोविड-19 के चलते रिलीज डेट टल गई और इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि इस साल की शुरुआत में ही इस फिल्म के कुछ सीन शूट कर लिए गए थे, लेकिन अब इसकी जो शूटिंग है वो तेज़ी से चल रही है। फिल्म की कहानी लक्ष्यराज आनंद ने लिखी है और वो ही इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। जॉन ने इस फिल्म में लीड रोल निभाने के साथ ही साथ इसको प्रोड्यूस भी करेंगे। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि मेकर्स ने ये जानकारी भी नहीं दी है कि दिल्ली के शेड्यूल के बाद इस फिल्म की शूटिंग कहाँ की जाएगी, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इस बारे में जब जो चीज़ें देखी गई उसके बाद पता चला है कि जो दिल्ली के बाद इस टीम ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में इसके लिए जो रवाना हो जाएगी टीम, और इसके बाद इसको कश्मीर में भी शूट किया जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय।